देवेंद्र चौहान के साथ। दर्शकों, आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने की जरूरत है जो हमारी संस्कृति पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, दिल्ली में एक रेस्टोरेंट है जो साड़ी पहनकर हमारे भारतीय महिलाओं को एंट्री नहीं देता। सबसे पहले यह वीडियो देखिए, फिर वापस आते हैं आपसे और ज्यादा बातचीत करेंगे। You just said that no ethnic wear. No, ethnic is something that we do. You don't allow, right? You don't allow ethnic wear. You're a restaurant and a bar in India, in Delhi, but you don't allow ethnic wear in your place. Yes? That's all I want to know. Thank you very much. All right. दोस्तों, ये दो वीडियोस जो थी, पहली वीडियो थी अकीला रेस्टोरेंट है दिल्ली में है, और जो दूसरी वीडियो है वो काइलिन एंड आईवी, एक जगह है एम्बियंस वसंत कुंज में। दोनों वीडियोस इसी भारत की राजधानी की है, और दोस्तों दोनों वीडियो में महिलाओं को साड़ी पहनकर एक प्रमाइसिस में अलाउ नहीं किया जाता। ये भारत की तस्वीर जहां पर महिलाओं का मुख्य परिधान जो है वो साड़ी है, और यहीं पर महिलाओं को उनके मुख्य परिधान के साथ अलाउ नहीं किया जा रहा, उनको एंट्री नहीं है, नो एंट्री लिखकर आ रहा है। ये विदेशी सोच की जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट हमारी भारतीय संस्कृति पर किस तरह से हमलावर है, किस तरह से हमला करना चाहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वो लोग जो इस तरीके के माइंडसेट के साथ जीते हैं उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो तथाकथित लोग जो अपने आप को वेस्टर्न सोसाइटी का मानते हैं और जो सोचते हैं कि भारत उनके सामने छोटा है, जो सोचते हैं कि वेस्टर्न माइंडसेट उनको प्रोग्रेसिव, उनको लिबरल बनाता है, ज्यादा ऊंचा बनाता है, उनको स्मार्ट बनाता है, देन दे आर वेरी रॉन्ग। और वो लोग जो सोचते हैं कि वो अगर साड़ी नहीं पहनते तो देन दे आर वेरी स्मार्ट, वो लोग जो सोचते हैं कि वो वेस्टर्न कल्चर की तरह बात करते हैं तो गलत। आज उनको उन्हीं की भाषा में समझाना चाहूंगा जो भाषा वो लोग समझते हैं, जो भाषा उनकी अंग्रेजी भाषा, जिसको वो अपना बढ़ा चढ़ाकर अपना वेस्टर्न कल्चर से दिखाते हैं। तो उनके लिए है, अपने दर्शकों से एक मिनट के लिए कहूंगा कि आप जरा इन शब्दों को सुनिए, ये उनके लिए है जो ऐसे माइंडसेट के साथ घूम रहे हैं और हमारी भारतीय संस्कृति पर बार बार चोट करते हैं। तो उनके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा, दैट इट इज वेरी डिस्गस्टिंग टू हियर दैट अ रेस्टोरेंट अकीला बेस्ड इन दिल्ली स्टॉप्ड द वुमेन वेयरिंग ट्रेडिशनली एथनिक अटायर सारी फ्रॉम एंटरिंग द प्रीमाइसेस, कॉलिंग सारीज नॉट स्मार्ट कैजुअल्स, लेडीज एंड फैंसी टॉप्स, स्कर्ट्स एंड स्कर्ट स्लिट्स हाई अप, देयर थाइज आर वेलकम्ड ग्रेशियसली बाय दीज रेस्टोरेंट्स एंड दैट्स वेरी ओके, बट अ स्मार्टली ड्रेस्ड लेडी इन अ ग्रेसफुल सारी इज नॉट अलाउड, दैट्स नॉट ओके, इट कांट बी अ न्यू नॉर्मल टुनाइट, I call it a big assault on our culture. Want to tell them in pure English, a sari is not just a garment, it's a power, it's an identity, it's a language. भारतीय संस्कृति पर कई बार हमला करने की कोशिश की गई। विदेशी आक्रांताओं ने भारत की संस्कृति विरासत को खत्म करने की कई बार कोशिशें की, लेकिन भारत की संस्कृति के आगे कोई भी टिक नहीं सका। लेकिन इस बार विदेशियों ने नहीं बल्कि विदेशी सोच ने भारतीय संस्कृति पर हमला करने की कोशिश की है। भारत की संस्कृति में जहां साड़ी एक स्त्री का मुख्य परिधान है, वहां एक रेस्टोरेंट में एक महिला को साड़ी पहनकर जाने पर यह कहकर लौटा दिया गया कि उन्होंने स्मार्ट कपड़े नहीं पहने हैं। साड़ी हमारे देश का मान है और सम्मान है। साड़ी का मतलब एक स्त्री का पूरा व्यक्तित्व नजरों के सामने आना है। साड़ी एक स्त्री का मुख्य परिधान है और इसीलिए विदेश से आने वाली हर महिला को साड़ी ही सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा डिजिटल दुनिया में विदेशों में साड़ी की सबसे ज़्यादा डिमांड देखी जाती है। भारत चाहे जितना भी मॉडर्न बन जाए, नई पीढ़ी चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, जमाना चाहे जितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए,
लेकिन यहाँ की माटी की पहचान वही रहेगी जो असलियत में है। इस माटी का लोहा दुनिया ने भी माना है, क्योंकि हमारी संस्कृति, परंपरा और सहज सभ्यता धरती पर सबसे पुरानी मानी जाती है। दिल्ली की हाई सोसाइटी का एक रेस्टोरेंट अगर एक महिला को अंदर आने से रोक दे तो बात थोड़ी हल्की जरूर होगी, लेकिन साड़ी पहनकर आने वाली महिला को रोको तो बवाल होना तय है, क्योंकि साड़ी तो पूरी दुनिया में पहनी जाती है। साड़ी के महत्व को बड़े बड़े देशों ने माना है। साड़ी भारत का असली परिधान है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर सुषमा स्वराज तक और भी ऐसी कई अन्य महिलाएं हैं जो विदेशी मंच पर साड़ी पहनकर गईं और भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे और कोई भी अन्य देश हो, वहाँ जाकर उन्होंने साड़ी पहनकर भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाया। तो फिर भला दिल्ली का रेस्टोरेंट साड़ी को स्मार्ट वेयर मानने से क्यों इनकार कर रहा है? भारत की राजधानी में इस तरह की मानसिकता रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो बनती ही है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति को कैसे मानेगी? कौन कहता है कि साड़ी एक कैजुअल वेयर नहीं है? आजकल तो फिल्मों में भी साड़ी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। जब भी आप कोई मैगजीन उठाएं तो साड़ी पहनकर बोल्ड अंदाज में दिखने वाली फोटो के साथ हेडलाइन आपको जरूर दिखेगी। टीवी खोले तो बड़ी बड़ी सुपरस्टार हीरोइन साड़ी में आपको दिखाई देंगी। खेलों में गोल्ड जीतने वाली महिलाएं साड़ी में दिखेंगी। देश की महिला मंत्री आपको साड़ी में दिखेंगी और विदेशी धरती पर देश का नाम रोशन करने वाली महिलाएं भी आपको साड़ी में दिखेंगी। मुद्दा यह है कि जो परिधान भारतीय महिलाओं का मुख्य परिधान है, जिस परिधान की विश्व में एक अलग पहचान है, उसे भारत के रेस्टोरेंट या कोई और क्यों नहीं अपना पा रहे? आपके कहने से कुछ नहीं बदलेगा, क्यों आपकी सुने? महाभारत में जब महिलाओं ने नहीं सुनी तो आपको लगता है 2021 महिलाएं सुनेंगी? साड़ी सिर्फ एक परिधान तक ही सीमित नहीं है। साड़ी मतलब भारतीय नारी का पूरा व्यक्तित्व नजरों के सामने होना। भारत में महिलाओं का मुख्य परिधान साड़ी ही है। भारतीय महिलाओं की साड़ी ने भारत आने वाली हर विदेशी महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। अब तो आलम ये है कि विदेशी महिलाओं को साड़ी पहनता देख भारतीयता का असली एहसास होने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो दर्शकों, मुद्दा आम नहीं है, चर्चा गंभीर है और सिचुएशन भी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि हमला कोई आम हमला नहीं है, यह हमारी संस्कृति पर हमला है, यह हमारी संस्कृति पर चोट है कि इस तरीके के लोग, इस माइंडसेट के लोग यहां पर धीरे धीरे अपने कुनबे को बढ़ाते जा रहे हैं। इन पर आज भी विदेशी सोच की गुलामी की जो जंजीरें हैं वो आज भी इनको जर्जर अवस्था में बांधे हुए और उनसे वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे। इनको लगता है कि भारतीय के जो उसूल है, भारतीयता में जो संस्कृति समाई है, जो यहां की जो चीजें हैं, सामाजिक सांस्कृतिक, उनको हमेशा नीचा दिखाने का काम करते हैं, जबकि इसी संस्कृति ने पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ा है। इसी संस्कृति ने पूरी दुनिया का जो औचित्य था वो भारत के सामने छोटा कर दिया। इन्हीं महिलाओं ने जो आज भी मुख्य परिधान पहनकर बाहर जाती हैं और विदेशों की धरती पर भारत का नाम रोशन करती है, लेकिन इन जैसे लोगों पर, इन मुट्ठी भर लोगों पर इस चीज का असर नहीं। ये लोग अपना एजेंडा सेट करते हैं। इनको लगता है कि जो वेस्टर्न कल्चर है यही सब कुछ है, यही लिबरल है, यही फ्रीडम देता है, यही प्रोग्रेसिव है। इनको ऐसा लगता है। इनको नहीं पता कि संस्कृति, विरासत, ये चीजें क्या है और क्यों ये लोग जो बार बार इस तरीके की चीजों के जरिए ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वेस्टर्न कपड़े पहनकर आप स्मार्ट बन सकते हैं, क्यों और कैसे? जो लोग सोचते हैं कि भारतीय लैंग्वेज हिंदी
भाषा ना बोलकर अगर आप अंग्रेजी भाषा बोलते हैं तो वो आपको सुपीरियर बनाते हैं, वो आपको स्मार्ट बनाते हैं। क्यों? उनके पास कोई लॉजिक नहीं, उनके पास इस चीज का कोई सेंस नहीं, ये सिर्फ हिपोक्रिट्स हैं और कुछ नहीं। और ये अपने आप को एक्सपोज करते हैं टाइम टू टाइम, ये अपने आप को एक्सपोज करते रहते हैं। और दर्शकों, आज इतनी विमेन ने, इतनी सारी महिलाओं ने आज एक साथ ट्विटर पर ट्रेंड किया, एक साथ ट्विटर पर ट्रेंड किया, और उन्होंने साड़ी पहनकर कहा कि देखो हम साड़ी पहने, और उन्होंने फ्लॉन्ट किया इस चीज को। और वो खूबसूरत तस्वीरें आज ट्विटर पर पूरे दिन छाई रही। जो तमाचा है ऐसी सोच पर, ऐसे माइंडसेट पर, ऐसी विचारधारा पर जो हमारे भारत की राजधानी, हमारे भारत की धरती पर यहां के मुख्य परिधान को भी पहनने पर एंट्री नहीं देते। दर्शकों, ये किसी के लिए आम चीज हो सकती है, किसी के लिए आम सोच हो सकती है, किसी के लिए आम बात हो सकती है, लेकिन अगर आप गहनता के साथ सोचेंगे तो आप पाएंगे कि ये धीमा धीरे 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 भारत के अंदर, भारत की सोच, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, इन सब पर हमला करना चाहते हैं। ये दीमक भारत के अंदर घुसकर यहां पर यहां की संस्कृति को चोटिल करना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए मेरा एक संदेश कि कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी रोक लीजिए, लेकिन भारतीय संस्कृति का दुनिया में डंका बजता है। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, इन तस्वीरों को देखिए जरा। इन तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरीके से भारत की महिलाएं आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, पूरे विश्व, किस तरह से उन्होंने नाम रोशन किया है। यह तस्वीरें देखिएगा, इनके जरिए आपको समझ में आएगा। सबसे पहले यहां पर सुषमा स्वराज जी, लेट सुषमा स्वराज जी आपको दिख रही हैं। इन्होंने दुनिया में भारत का डंका बचाया। निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर साड़ी में है, दुनिया में डंका बचता है। यह हमारी लेडी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, इनका दुनिया में डंका बचता है, इनसे लोग डरते हैं। यह हमारी इसरो की साइंटिस्ट महिलाएं, इनकी दम पर हम लोग चांद पर पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करती है अमेरिका में ये महिलाएं, सब साड़ी परिधान में हैं। ये हमारे देश की मंत्रालय की मंत्री हैं, महिला मंत्री हैं, सब साड़ी के परिधान में हैं। ये वसुंधरा राजे जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, परिधान में हैं। हमारे देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी भारतीय परिधान में हैं। तो दर्शकों, ये तस्वीरें थी, ये तस्वीरें थी जो छोटी सी एक स्लाइड शो के जरिए आपके सामने आई। इन्होंने सब कुछ एक्सपोज कर दिया, सब कुछ खोल कर रखा कि भारतीय परिधान में महिला किस तरह से उनकी स्मार्टनेस, उनके आईक्यू लेवल, उनका इंटेलिजेंस लेवल किस चोटी का है। जब अमेरिका के दफ्तरों में बैठी महिलाएं, जो वेस्टर्न कल्चर जिसको देखकर आज बहुत उत्साहित होती, वो जब भारतीय महिलाओं को देखती है, मैंने कई दफा, मैं कई जगह गया हूं, मथुरा गया हूं, आप वृंदावन जाकर देखिए, आप कई जगह जाकर देखिए रश्मि, वहां पर आपको वेस्टर्न वेस्ट की महिलाएं दिखेंगी जो साड़ी के परिधान में दिखेंगी, और वो खुश होती हैं, वो खुश होती हैं, और वो कहती हैं कि अटायर उनको सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये अटायर महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगाता है, उनको कॉन्फिडेंस देता है, और ये भारत की भारतीयता है, ये भारत की संस्कृति है, भारत की आत्मा है, भारत का मुख्य परिधान है। इसको महिलाएं बड़े गर्व से पहनती थी। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसको पहनकर विदेशों में जाती थी, डेलीगेट से बात करती थी, और सब थर थर कांपते थे इंदिरा गांधी जी से। इससे पहले लेट सुषमा स्वराज जी थी, विदेशों में कई मंत्रियों को छक्के छुटा दिया उन्होंने, पाकिस्तान को ऐसे ऐसे लपेटा कि वो किसी को आंख भी नहीं दिखा सका, किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखा सका। इन महिलाओं ने देश का नाम बहुत ज्यादा ऊंचा किया है विदेशों की धरती पर। इन्हीं महिलाओं ने देश को गौरव दिलाया, और आज ये दुर्भाग्यपूर्ण है दर्शकों कि एक महिला जब भारतीय राजधानी में, भारत की राजधानी में एक रेस्टोरेंट में जाती है, तो वहां पर उसको किस तरीके से इंसल्ट किया जाता है, क्योंकि उन्होंने साड़ी पहन रखी है। उनसे कहा जाता है आपने साड़ी पहनी हुई है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। उनको कैसा महसूस होता होगा? भारत में अगर साड़ी पहनकर कोई जाता है
उसको मना किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कल्चर की जो बेड़ियां, वेस्टर्न कल्चर की जो मानसिकता है, जो माइंडसेट है, उसने किस तरीके से जकड़ रखा है, ये वो दिखाता है, ये वो सोच दिखाता है कि जिसकी वजह से आज भी भारतीय महिलाओं को एक सीमा में बांधने की कोशिश की जाती है। आज भी भारतीय महिलाओं से कहा जाता है कि आप कमतर हैं। आज भी उनको इस तरीके से दिखाया जाता है, जताया जाता है कि वेस्टर्न की महिलाएं देखो, वो आपसे ऊंची हैं, उच्च कोटि के, क्योंकि वो आपसे अच्छा परिधान पहनती है। जो वो परिधान पहनती है वो स्मार्ट बताता है, वो जो लैंग्वेज बोलती है वो स्मार्ट बनाता है। और कहीं ना कहीं ये माइंडसेट, ये सोच इस तरीके से भी दिखाई जाती है कि आप ये देखिए कि आपका जो परिधान है, आपकी जो बोली है, वो आपको वेस्ट से कमतर दिखाती है। एक बार फिर आप इस वीडियो को देखिए जरा। इस वीडियो में किस तरीके से महिला साड़ी पहनकर पहुंची है और उससे कहा जा रहा है कि आप एंट्री नहीं ले सकते। ये ताजा मामला है। इसके तुरंत बाद जो वीडियो दिखेगी उसमें कहा जा रहा है कि आप साड़ी पहने आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये पुराना मामला है, लेकिन इन दोनों वीडियोस को देखिए और जानिए कि भारत की राजधानी में आज फिर इस तरीके की चीजें देखने को मिली हैं। ये दोनों वीडियो देखिए फुल एम्बियंस के साथ, साउंड के साथ। ये दोनों वीडियो Yes? That's all I want to know. Thank you very much. All right. इस पूरी घटना के बाद ये वीडियो जब सामने आया, वायरल हुआ, ट्विटर पर ट्रेंड चला, लगातार देश की करोड़ों महिलाएं एक साथ आ गई और उन्होंने साड़ी पहनकर फोटोज डाले। वो हर क्षेत्र से थी, सफल थी। हमारे यहां जर्नलिस्ट जो लेडीज, जो विमेन, उन्होंने भी फोटोज डाले। जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी फोटोज डाले। जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी फोटोज डाले। एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने भी फोटोज डाले। जो लॉयर्स हैं उन्होंने भी फोटोज डाले। जो आईएएस हैं उन्होंने भी फोटोज डाले। पीसीएस जो हैं उन्होंने भी फोटोज डाले। जो मॉडल्स हैं उन्होंने भी फोटोज डाले। एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने भी फोटोज डाले। साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने भी फोटोज डाले साड़ी। और उन्होंने बताया दैट हम किसी से भी कम, हमको कम आंकने की भूल आप मत करें। ये जो विदेशी माइंडसेट है, जो अंग्रेजी में बात करता है और भारत को कहता है कि आप स्मार्ट नहीं है, ये गलत है। हालांकि दर्शकों, इसके बाद आपको बता दूं कि अकीला रेस्टोरेंट को जब बार बार जब ट्रेंड किया गया, जब डिमांड किया गया कि इस हॉस्पिटल को बंद करें, तो अकीला रेस्टोरेंट की तरफ से भी अब एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि दरअसल ये एक विवाद के चलते हुआ। जो महिला, जो कि जर्नलिस्ट बताई जा रही है, जिनका नाम अनीता चौधरी बताया जा रहा है, तो उनका कहना है कि अनीता चौधरी के साथ किसी तरीके का विवाद हुआ था, जिसके बाद उनकी तरफ से हाथापाई भी की गई और उनके मैनेजर पर थप्पड़ चलाया गया। लेकिन जो हमारे गेट पर मैनेजर ने जो कुछ कहा है, जो वीडियो में दिख रहा है, उसके लिए वो माफी मांग रहे हैं। हम हर बात को मानने के लिए राजी हैं, लेकिन जो वीडियो में जो भी मैनेजर है, जो भी वो लेडी मैनेजर है, वो जो कह रही है कि यू आर नॉट अलाउड, क्योंकि यहां पर केवल स्मार्ट वेयर अलाउड। स्मार्ट वेयर क्या होता है? क्या साड़ी पहनकर एक लेडी, एक महिला अगर कहीं जाती है तो उसे यह कहा जाएगा कि आपने स्मार्ट वेयर नहीं पहन रखा है, आप अलाउड नहीं? तो भारत के जो हजारों साल की, जो यहां की संस्कृति है, जहां पर मुख्य परिधान साड़ी और जिसको पहनकर हमारे देश की महिलाओं ने शिखर चढ़, हमारे देश की महिलाओं ने विदेशों में अपना डंका बजाया,
हमारे यहाँ की महिलाओं ने साड़ी पहनकर देश का नाम विदेशों में गौरवपूर्ण किया है, रोशन किया है। क्या वो स्मार्ट नहीं है? क्या वो स्मार्ट नहीं है? क्या लगता है? कोई स्मार्ट नहीं। तो यही वो सोच है, वो मानसिकता है जिसके चलते आज भारत इस तरीके की मानसिकता जो बढ़ रही है, जो दीमक जो बढ़ रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को चोट पहुंचाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारी देश की महिलाओं को स्मार्ट बताने के लिए किसी भी तरह के वेस्टर्न कल्चर के, वेस्टर्न वेयर की जरूरत नहीं है। वो लोग भारतीय संस्कृति के साथ नंबर वन। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिएगा हमारे चैनल न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।